हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप एक कलर का ड्रेस पहन रहे हो तो आपको किस तरीके से आई मेकअप करना चाहिए, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो आप ये लुक मेरा देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटोज़ एंड वीडियोज़ दोनों ही ऐड किए हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑल प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आपको अगर लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। समर है तो मैंने ऑलरेडी आईज फेशियल कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। आईज फेशियल अगर आपको जानना है कैसे होता है तो आईज फेशियल नेहा ब्यूटी हब आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि समर है तो आपको मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज को ड्रॉ करूँगी वेट एंड वाइल्ड के सिंगल पीस ब्लैक आई शेडो से। एंड एक एंगल ब्रश मैंने ले लिया है, ये पुणे स्टोर का ब्रश है। तो ये वाली अगर आपको ब्रशेस की भी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्रशेस के लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ एंड वीडियो मैंने एकदम फास्ट नहीं किया है, नॉर्मल स्पीड में मैंने रखा है। नाउ यहाँ पर अपने आईब्रोज को शार्प करूँगी मैं कंसीलर की हेल्प से, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। एंड शेड तो आपने देख ही लिया होगा, वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लेना। यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को ऊपर से नीचे से शार्प करूँगी ताकि आईब्रोज मेरी जो है वो काफ़ी खिल गया है। वैसे मैंने थ्रेड नहीं करवाया है, बट देखो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने थ्रेड नहीं करवाया है, इतना ज़्यादा क्लीन लगता है। आप अगर ये शेप बनाते हो और क्लीन करते हो कंसीलर से तो आपके जितने भी हेयर ग्रोथ है वो हाइड हो जाते हैं, मतलब आपको दिखेंगे नहीं, लगेगा कि आपकी जो आईब्रोज है वो शेप में है ना। यहाँ पर प्राइमर की बारी आती है। यहाँ पर मैं कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो अफोर्डेबल में, थोड़ा सा हाई रेंज में कलर बार। तो एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। एंड आपको ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, वैसे पूरा प्रॉपर हेयर स्टाइल तो दिख ही नहीं रहा है वीडियो में। तो यहाँ पर मैं प्राइमर के बाद ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि NY Bay रनवे का है। एंड ये आपको 100 या 125 ऐसे करके मिल जाएगा, आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं माउथ एरिया एंड डार्क सर्कल को कर रही हूँ रेड करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर आप वेट कर लेना। इसके बाद मैं एलेगर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मेरे स्किन कलर से 1 शेड डार्क है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एलेगर की कंसीलर बहुत अच्छी है एंड वेट एंड वाइल्ड की भी। तो माउथ एरिया जहाँ पर मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे टैप करते हुए मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। एंड यहाँ पर फिर से NY Bay रनवे की मैं स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा शेड आप देख ही सकते हो। 1 शेड ऑफकोर्स लाइट लूँगी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो 1 शेड लाइट लूँगी अपने फेस के, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर फिर मेरे फेस के कलर में ही आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो पूरे फेस में अच्छे से इसे अप्लाई करना है, प्लीज़ बाहर की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से नेक एंड कानों में भी अप्लाई करूँगी और इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर रियल टेक्निक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बफिंग ब्रश है ये। तो आप ये बेस्ट है, आप ले सकते हो अफोर्डेबल में, एकदम रियल टेक्निक जो है वो ब्रांडेड ब्रश है, तो आप ये ले सकते हो। यहाँ पर इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस को, आप देख सकते हो बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। यू नो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तो बात ही अलग होती है ना। यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए मैं अगेन वेट एंड वाइल्ड का जो है कंसीलर यूज़ करूँगी, शेड भी आपने देख लिया है। एंड हाईलाइट आपको इस तरीके से ही करना है, आपकी फेस चाहे कोई भी शेप की हो आपको इस तरीके से हाईलाइट करना है ना। आई शेडो अप्लाई करूँगी तो आई लिड में भी मैं इसी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मेरी जो अंडर आई एंड पूरी आई ही मेरे यू नो पूरा डार्क सर्कल है, तो उसको मैं हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, लीड में लगा रही हूँ। वैसे आप कंसीलर की जगह फाउंडेशन भी लगा सकते हो, बट कंसीलर ज़्यादा हाई कवरेज देता है। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर वेट कर लेना, भूलना मत समर टाइम। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड बहुत अच्छे से टैब करते हुए ही आपको ब्लेंड करना है, आपको रब नहीं करना है, वरना फिर आपका मेकअप जो है वो क्रैक हो जाएगा, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में देनी है ना। यहाँ पर कलर बार का कॉम्पैक्ट है शेड नंबर 03, इसे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। बेकिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं आज यू नो कॉम्पैक्ट यूज़ करके अपने मेकअप को सेट करूँगी। तो यह यहाँ पर है। एंड आज कुछ चीज़ें मैं नहीं करूँगी, जैसे कि मैं अपने अंडर आई के इनर कॉर्नर को हाईलाइट नहीं करूँगी, ब्रो बोन को भी हाईलाइट नहीं करूँगी ना। यहाँ कंटोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंटोर पैलेट,
यहाँ पर आप स्टिक भी ले सकते हो, वेट एंड वाइल्ड का काफ़ी अच्छा है, वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरीके से ही आपको करना है। एंड आज जितने भी यहाँ पर ब्रशेज आप देख रहे हो सारे रियल टेक्निक के मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड नोज़ को भी यहाँ पर ज़रूर से शार्प करना है, ऑफकोर्स मेकअप है तो यू नो कंटूर आपको करना ही है फेस को, तभी आपकी जो फेस है वो प्रॉपर अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने नोज़ को कंटूर कर लिया है एंड अब मैं ब्लश लगाऊंगी। तो ये वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी लाइट ब्लश है, जो कि बहुत अच्छा परफेक्ट जाएगा इस लुक के साथ। वैसे ये लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड ये ड्रेस जो मैंने ली है ना, ये मैंने अपटाउनी से लिया था, तो ये वाला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ये वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो देख लेना, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये ड्रेस मिला था, तो आप देख लेना, ये बहुत सुंदर ड्रेस है। मेरी लुक बुक भी आप देख लेना ना। यहाँ पर आई मेकअप देख रहे हो, मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ है तो आई मेकअप भी ग्रीन करूँगी। अगर आप कोई भी पिंक हो, येलो हो, रेड हो, कोई भी आपकी कलर हो, आप इस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत आसान आई मेकअप है ये, आई शेडो कोई भी अप्लाई कर सकता है, स्पेशली बिगिनर्स हो तो बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो जाता है। आप कोई भी आई शेडो ले सकते हो, हिलारी रोडा ले सकते हो, रिवॉल्यूशन का ले सकते हो, जैकलिन हिल ले सकते हो, अफोर्डेबल की बात मैं कर रही हूँ तो ये सब आप ले सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मैंने दे ही दिया है ना। क्रीज लाइन में मैं हल्का सा ब्राउन कलर दे रही हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है, आप क्रीज लाइन में ब्राउन दे सकते हो, मरून दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो। अगर आपको एक ही कलर में रखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर दो कलर करना था तो मैं कर रही हूँ, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप ग्रीन भी रखोगे ना सिर्फ, वो भी अच्छा लगेगा ना। लोअर लैश लाइन में सेम मैं कर रही हूँ कलर ब्राउन कलर, एंड इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर भी अप्लाई करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्रीन कर लिया, हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी क्रीज लाइन है ना वो हाइड हो जाएगी इस तरीके से अगर मैं करती हूँ। आपकी भी क्रीज लाइन है तो आप भी इसी तरीके से करना ना। यहाँ पर लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का लाइनर, बहुत ही सही लाइनर है, अफोर्डेबल है, 100 के अंदर या 110 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा विंग निकालती हूँ मैं तो इस बार भी निकालूँगी, और ये आपके आईज़ पर भी डिपेंड करता है एंड आपकी मर्ज़ी के ऊपर भी है। तो यहाँ पर काजल के लिए मैं कलर वार का यूज़ कर रही हूँ काजल, जो कि बहुत अच्छा काजल है। ये बिल्कुल भी यू नो मेरी क्रीज लाइन है, बट ऑयल आने पर भी ना मेरी ये काजल है जो फैलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काजल जब भी आप लगाओगे ना तो इसके बाद हल्का सा कोई भी पाउडर से सेट कर लेना, कभी आपकी काजल नहीं फैलेगी जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग ब्रश है, फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फैल जाए और मेरी क्रीज लाइन हाइड हो जाए ना। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, तो ग्रीन कलर को मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में दूंगी। एंड आज मैं हाईलाइट नहीं करूंगी ना, शिवाना कलर से मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टच देता है, आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्डन टच दे रहा है ये ना। इसको लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर कम कर लिया था, अपने फिंगर टिप से ही थोड़ा सा ब्लेंड किया था तो वो कम हो गया था। यहाँ पर हाईलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ, किस तरीके से देख रहे हो, ये फैन ब्रश की भी जो है रियल टेक्निक की है, और ब्रश की नॉलेज तो एक मैंने बना रखा है वीडियो, बट सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ एंड ऐसे भी मेकअप बैठने के बाद थोड़ा सा खुद ब खुद कम हो जाता है ये ना। यहाँ पर लिपस्टिक के लिए मैं न्यूड कलर अप्लाई कर रही हूँ, आपको शेड वगैरह देख लिया आपने एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोडक्ट लिंक भी मिल जाएगा। न्यूड कलर बहुत सही कलर है, एवरीडे यूज़ के लिए लो या फिर इस तरीके के मेकअप लुक के लिए अगर आप लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये वाटरप्रूफ नहीं है ये ध्यान में रखिएगा, बट मेरे लिप्स थोड़े ज़्यादा ही क्रैक होते हैं, बहुत ड्राई लिप है इसलिए मैं क्रीमी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, मैट बहुत कम यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया, यहाँ पर मेकअप को मैं सेट कर रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन के मेकअप स्प्रे से ना। यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने इसे एंड में अप्लाई कर लिया है। तो बस यही है लास्ट स्टेप मेरा, तो इसके बाद हो जाएगा मेकअप लुक कम्प्लीट एंड वाटर प्रूफ है ये सारे, काजल मस्कारा ये सारा वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पर हो गया डन मेकअप। तो वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, बिगिनर्स के लिए तो ऑफकोर्स ये हेल्पफुल होगा ही, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो आप हिट कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको फटाफट से मिल जाए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने वीडियो एंड फ़ोटो दोनों लगा दिया है। तो यही है मेरा फाइनल लुक एंड ये ड्रेस वाली वीडियो भी देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वो देख लेना। आई स्पेशल भी आप देख लेना जिससे कि आपके मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।